go for it. देखिए कितना अच्छी तरीके से ये फूले हैं, और हमारा अच्छे तरीके से तेल जरूर से गर्म होना चाहिए। बहुत ही वाइट बना है और बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब दूसरा भटूरा इसे वादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए आज हम मैदे का भटूरा कैसे बनता है, जो हम छोले और भटूरे खाते हैं, उसके लिए हम ये भटूरे पहले बनाने जा रहे हैं, उसके बाद हम छोला बनाएंगे। ये देखिए, एक कटोरी हमने ये मैदा लिया है, इसका माप आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए। एक कटोरी में ये हम डालेंगे सबसे पहले नमक 1 टेबल स्पून, उसके बाद ये खाने वाला मीठा सोडा, इसके बाद ये शुगर डालेंगे 1 चम्मच, ये देखिए मीठा चीनी है पिसा हुआ पाउडर, और ये 2 चम्मच, इसमें हमको एक कटोरी में 2 चम्मच हमारा ये सूजी होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से आप लोग अगर भटूरे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इसके बाद आपके ये देखिए, इसमें सूजी चीनी सोडा और हमारा नमक, और इसके साथ में ये एक कटोरी हमारी दही होनी चाहिए, बहुत खट्टी भी नहीं और बहुत ज़्यादा सादी भी नहीं होनी चाहिए, आपका ताज़ा जमाए हैं तो भी। और हम इसको मिलाकर सान कर हम 2 घंटे के लिए इसको रखते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगती है। ये 2 घंटे के लिए खमीर उठाना होता है, तब ये कहीं मैदे का भटूरा हमारा तैयार होता है। देखिए इसको पहले हम लूट लेंगे जितना भी हो सकता है दही के साथ में, उसके बाद जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा बहुत पानी डालेंगे। देखिए पूरा सूख गया मेरा दही के साथ में, इसीलिए इसका ये प्रपोर्शन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी, ये हाथ में लेकर हल्का सा पानी हम डालते हैं, बस इससे ज़्यादा अब पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको इसको गूंथ के छोड़ देना पड़ता है, तो ये सेट होगा सूजी मैदा को चीनी के साथ में, अब ये सेट हो जाएगा। ये देखिए बहुत टाइट नहीं, बहुत लूज नहीं, जब ये सेट होगा ये अपने आप मुलायम सा आटा गूंथ के तैयार हो जाएगा मैदे का। अब इसको हम ढककर 2 घंटे के लिए रख देते हैं। ये देखिए अब चलिए हम इसको स्टॉप करते हैं, ढककर इसको रख देते हैं। ये देखिए ये हमने 2 घंटे हो गए हैं, अब इसको मैंने हल्का सा तेल हाथ में लगा लिया है, ये देखिए, और बहुत अच्छी तरीके से इसको हम पटक पटक के इसमें हवा भरते हैं। ये देखिए जितना हम पटकेंगे उतना तेज़ इसमें हवा भरेगा। इसको मैंने माड़ भी दिया था, ये 2 घंटे बाद देखिए कितना अच्छी तरीके से इसमें, ये जितना आप इसको पटकेंगे ये इसकी विधि ज़रूर से अपनाइएगा तो भटूरे की आग बहुत अच्छे से फूलेगा। अब हम इसको लोई काटेंगे। लोई कैसे काटेंगे ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। इसकी लोई जब हम काटते हैं, हम मैं गैस को भी ऑन कर देती हूँ इधर, ये देखिए गैस को भी ऑन कर देती हूँ,
जिससे हमारा तेल गर्म होता रहे। हमने कढ़ाई रखकर तेल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल। आपको सरसों बनाना तो सरसों में भी बना सकते हैं। और इसको जब हम लोई बनाते हैं कैसे भी, तो इसको हम पलट कर बिल्कुल अंदर की तरफ, जिससे इसकी सारी हवा अंदर की तरफ हो जाए। ये देखिए, ये जितना हम अंदर करते जाएंगे ये हमारा हवा इसी तरह अंदर हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमारा फूल कर भटूरा तैयार होता है। और इसको किसी भी प्रकार से आप बेलिए, देखिए इसको जितना हम लोग पटकते हैं उतना ही अच्छा एक और बना लेते हैं। ये देखिए, अंदर से की तरफ हम इसको रखते जाएंगे लोई को, ये अंदर हमारा बिल्कुल, ये देखिए गोल गोल सा हो जाता है। अब हम इसमें तेल लगाएंगे हल्का सा, तेल लगाकर ही हम इसको बेलते हैं। इसका कोई शेप का चक्कर नहीं होता कि हमें शेप कैसा चाहिए, जितना अच्छा हम इसको बेल लें। देखिए जितना हम बढ़िया तरीके से इसको आकार दे सकें, अंडाकार बनेगा तब भी चलेगा, क्योंकि ये इसको उठाने में हमारा फैलता ही है, बड़ा होता भी है। चकला घुमा के आप बेल लीजिए। ये देखिए हल्के हाथों से बेलिए, उठाने के बाद देखिए आकार अपने आप छोटा हो जाता है। ये इसलिए हम लोग इसको बेलेंगे अच्छी तरीके से। ये अब हम इसको, तेल गर्म हो जाए तो इसको हम छान कर, ये देखिए जैसे हमारा ये तेल गर्म होगा, और अच्छी तरीके से तेल गर्म होना चाहिए। रही हूँ, एक को मैंने बेल कर रख दिया है और दूसरा मैं बेल रही हूँ। सिर्फ चकला ही घुमा लीजिए आप और अच्छी तरीके से बेल लीजिए। उठाने के बाद तो फिर उसे सिकुड़ जाता है। अब मैं भटूरे को अच्छी तरीके से, देखिए तेल गर्म हो गया है, और अब मैं आराम से इसको डालेंगे, बिल्कुल छलके ना आपके ऊपर तेल, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से फूल रहा है भटूरा, इसी तरह फूलते रहना है, आराम से इसको फूलते। देखिए कितना अच्छी तरीके से ये फूलेगा, और हमारा अच्छी तरीके से तेल जरूर से गर्म होना चाहिए। बहुत ही वाइट बना है और बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब दूसरा भटूरा इसी तरह मैं डाल लेती हूँ। तेल को उछाल उछाल कर हमको इसके ऊपर पूरा अच्छी तरीके से फैलाना होता है, जिससे ये हमारा भटूरा अच्छी तरीके से फूल जाए। जितना हम तेल को उछालेंगे उतना ही अच्छी तरीके से फूलेगा। तो पलटना है तो संभाल के पलटना। भटूरे को हमेशा पतला ही बेलिए, बहुत मोटा ना बेलिए, जिससे खाने के बाद बिल्कुल पेट में हमारे बिल्कुल दिक्कत ना महसूस हो। बच्चे तो बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं, इसलिए हमें बहुत पतला बेलना होता है। आकार चाहे जैसा आए, अंडाकार आए चाहे चकोर आए चाहे लंबा आए,
और इसको हम इसी तरह बेल देंगे। ये देखिए बिल्कुल हमारा भटूरा रेडी हो चला है। अब हम गैस को ऑफ करते हैं और हम सर्व करते हैं प्लेट में। ये मैंने भटूरा और छोला ये मैंने दोनों बना